हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, क्यों हुई एकता कपूर परेशान? क्यों करवाई एकता कपूर ने नागिन 6 के सेट पर तेजस्वी के हाथों से पूजा? क्या है पूरी खबर? चलिए हम आपको बताएंगे टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। पर अगर नहीं किया है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, तेजस्वी का नागिन 6 सुपर डुपर हिट हो रहा है। एकता तेजस्वी से काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि हर कोई सेट पर तेजस्वी की तारीफ करते नहीं थकता, लेकिन ऐसे में लगातार सेट पर कोई ना कोई ऐसी हरकत हो रही है, ऐसी घटना हो रही है जो अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। जैसा कि हाल ही में तेजस्वी पर जंगल में एक हमला हुआ जिस वजह से तेजस्वी को चोट लगी, तो वहीं पिछले दिनों शो में जो प्रथा का फियांसे बना है यानी कि टीवी एक्टर आशीष त्रिवेदी, उसको भी चोट लग गई थी, वो भी गिर गया था। तो कहीं ना कहीं अब एकता कपूर के दिमाग में ये वहम आ चुका है कि किसी की बुरी नजर शो को लग चुकी है, और यही वजह रही कि एकता कपूर ने सेट पर पूजा रखवाई। और एकता कपूर ने स्पेशली ये बोला कि पूरी पूजा तेजस्वी के हाथों से होगी, क्योंकि तेजस्वी उनके लिए उनकी लकी मैस्कॉट साबित हुई है, यानी कि लकी नागिन साबित हुई है। जी हाँ, नागिन 6 के सेट पर तेजस्वी ने पूरी विधि विधान के साथ पूजा की और शांति के लिए इस पूजा को करवाया गया। वेल, दोस्तों, साफ हो चुका है कि एकता कपूर तेजस्वी से खुश तो बहुत है, लेकिन वो ये भी समझ चुकी हैं कि नागिन 6 को नजर लगती जा रही है और इसीलिए अपनी लकी मैस्कॉट तेजस्वी से पूजा पाठ करवा रही हैं। भाई, आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं। और अगर आपको भी लगता है कि तेजस्वी है नागिन 6 की जान, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।